जय हिंद दोस्तों, वेलकम टीन एंड स्कूल। दोस्तों हम सभी का फेवरेट क्वाइन शिबा इनू क्वाइन के बारे में एक बार फिर से यहां पर बात करेंगे। बहुत ही जबरदस्त डिमांड के बाद यहां पर शिबा इनू क्वाइन का प्राइस प्रेडिक्शन क्या है, शिबा इनू क्वाइन लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपको कितना प्रॉफिट देने वाला है, अगले 27 डेज में शिबा इनू क्वाइन का प्राइस कितना जा सकता है, इसके बारे में यहां पर बात करेंगे। अगले 27 डेज की ही बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसके बारे में भी यहां पर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही क्या शिबा इनू क्वाइन अभी भी एक ऐसा क्वाइन है जो कि आपको बना सकता है करोड़पति या फिर हजारों गुना का प्रॉफिट आपको देने वाला एक क्वाइन है, या फिर इसके बेस्ट अल्टरनेटिव के बारे में इस समय पर आपको सोचना चाहिए, सभी के बारे में यहां पर बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा अमाउंट अर्न करने का क्या आपके पास ये आखिरी मौका है, या दोस्तों आने वाले समय में भी आपको ये मौका मिलेगा। इस समय पर क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस में थोड़ा सा डिप चल रहा है पिछले 10-12 दिनों से, तो क्या इस समय पर शिबा इनू क्वाइन को आपको खरीदना चाहिए या अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए, या फिर आपने जो शिबा इनू क्वाइन को इस समय पर होल्ड करा हुआ है उसका क्या करना चाहिए, चलिए सभी के बारे में यहां पर आपको बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कौन सा तरीका है जिसमें शिबा इनू क्वाइन की मदद से आप इस समय पर करोड़ों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए सभी के बारे में देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही उसके पास वाला बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि डेली बेस पर लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसीज के अपडेट यहां पर हम आपको देते रहे। तो चलिए शिबा इनू क्वाइन के बारे में लेटेस्ट अपडेट के बारे में सबसे पहले बात करने से पहले क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी बात करना पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोस्तों यहां पर एग्जाम्पल लूं टर्की का, तो टर्की की जो वैल्यू है करेंसी की, उसकी वैल्यू लगभग पिछले 9 साल से लगातार गिर रही है और पिछले 6 महीनों में इसकी वैल्यू 1/3 यहां पर हो चुकी है। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे कंट्रीज हैं जिनकी वैल्यू यूएसडीटी के अगेंस्ट गिरी है और यूएसडीटी की वैल्यू बिटकॉइन के अगेंस्ट गिरी है पिछले कुछ दिनों में। साथ ही दोस्तों इसी तरह से अगर बात की जाए इंडियन करेंसी की, तो थोड़ा थोड़ा करके पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप आजादी से पहले देखेंगे कुछ समय पहले, तब जो भारत के 1 रुपए की कीमत यूएसडीटी की कीमत के लगभग बराबर या उससे भी ज्यादा हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे जब आजादी का समय था तो उस समय पर भी एक यूएसडीटी में 40-50 रुपए हुआ करते थे, आज की डेट में एक यूएसडीटी में लगभग 79 या 80 रुपीज के आसपास है। लगातार इंडियन करेंसीज की वैल्यू घट रही है। इसी तरह से किसी भी दूसरे कंट्रीज के जो वैल्यू है करेंसी की, वो वैल्यू घट सकती है यूएसडीटी के अगेंस्ट, क्योंकि इस समय पर यूएसडीटी दुनिया की रिजर्व करेंसी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस समय पर बिटकॉइन यूएसडीटी को भी यहां पर चैलेंज कर रहा है। तो दोस्तों चलिए अगला अपडेट क्या है। लव्ड एंडिंग माय वीक विद दिस लिटिल रेंट अबाउट मनी प्रिंटिंग एंड बिटकॉइन ऑन मेकिंग मनी विद CVPAN, व्हाई कैन बिटकॉइन सेव द वर्ल्ड। फॉक्स न्यूज और दुनिया के बड़े बड़े न्यूज, CNBC न्यूज, इन सभी में बिटकॉइन इस समय पर छाया हुआ है और लोग केवल और केवल बिटकॉइन के बारे में ही समय पर बात कर रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में जो बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू होगी वो कितनी बढ़ चुकी होगी, क्योंकि इसके बिना अब संसार नहीं चल सकता है। साथ ही जस्टिन ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट बैंक टू एनेबल बिटकॉइन सर्विसेज फॉर देयर 6.5 मिलियन यूजर बैंकिंग ऐप AFR। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट यहां पर कहता है कि जो कॉमनवेल्थ बैंक है, जो ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट बैंक है जिसके 6.5 मिलियन यानी लगभग 65 लाख यूजर्स हैं, इन सभी के लिए बिटकॉइन सर्विसेज को ओपन करने वाला है। और इसी के साथ साथ इससे पहले मॉर्गन स्टैनले, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सभी इस बात को बोल चुके हैं कि दुनिया में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को रोकना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों जल्दी ही दुनिया के सभी बैंक बिटकॉइन के लिए अपना रास्ता खोल देंगे, बिटकॉइन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसके अलावा इन सभी के पास कोई रास्ता भी नहीं होता। इजरायली ग्रैंड मदर हु बॉट $10,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन इन 2013 इज नाउ अ मिलियनेरी। सिर्फ $10,000 के बिटकॉइन खरीदे थे इन्होंने 2013 में और आज की डेट में ये एक मिलियनेरी है। ये इस बात को दर्शाता है। देखिए 2013-2012 में भी बिटकॉइन बहुत रिस्की माना जाता था, 2015 में भी बहुत रिस्की माना जाता था, 2018 में भी बहुत रिस्की माना जाता था, 2020 में भी बहुत रिस्की माना जाता था, बल्कि 2021 में अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन उतना रिस्की नहीं माना जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कंट्रीज की सरकारें, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फर्म्स लगातार बिटकॉइन को अपना रहे हैं। लेकिन इन्होंने उस समय पर भी बिटकॉइन को होल्ड किया और आज के डेट में इन्हें बिटकॉइन ने दुनिया का एक बड़ा अमीर बना दिया। क्या आप जानते हैं कि $1 मिलियन की कीमत कितनी होती है? दोस्तों बहुत ज्यादा होती है $1 मिलियन की कीमत। यहां पर हिलरी क्लिंटन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, वर्ल्ड लीडर के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में एक बार फिर से अपना अपडेट जारी किया है कि बिटकॉइन जो है ये यूएस डॉलर के लिए एक थ्रीट है और दोस्तों ये यूएसडी से एक रिजर्व करेंसी का दर्जा जो है छीन सकती है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोग इस बात को बोल चुके हैं कि बिटकॉइन यूएस डॉलर का दर्जा छीन सकती है आने वाले समय में। उसके बावजूद अमेरिका के सभी लोग, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, रशिया के सभी लोग बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही ये सभी कंट्रीज भी बिटकॉइन को सपोर्ट कर रही हैं लगातार। इसके अलावा
क्या आपको पता है कि जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका मानना ये है कि बहुत ही जल्दी वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के रास्ते ऑयल ट्रेड और बहुत सारे दूसरे ट्रेड यानी व्यापार के लिए खोल देंगे, और जो एक दूसरे से एक देश से दूसरे देश में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है वो अब बिटकॉइन में उसका लेन देन कर सकते हैं। जिस तरह से इंडिया में मान लिया रसिया से हथियारों की खरीद फरोख्त होती है, तो रसिया कह सकता है कि मुझे जो पेमेंट चाहिए वो बिटकॉइन में चाहिए, अब मैं पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज में लूँगा, यूएस डॉलर में नहीं लूँगा। अभी यूएस डॉलर के अगेंस्ट वहां से हथियारों की खरीद फरोख्त होती है। तो दोस्तों इस तरह से बिटकॉइन यूएस डॉलर जो एक रिजर्व करेंसी है उसका दर्जा छीनकर बिटकॉइन को यह दर्जा मिल सकता है। यही कारण है कि इंडिया समेत दुनिया का कोई भी देश बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और कर भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। इसी तरह से शिबा इनु कॉइन भी उतना ही फेमस आज के डेट में हो चुका है जितना बिटकॉइन हो चुका है। शिबा कॉफी कंपनी बंस शिब टोकन फॉर एवरी बैग ऑफ कॉफी इट सेल्स, ये न्यू अपडेट है। शिबा कॉफी कंपनी ओपन हो चुकी है और यहां पर एवरी बैग यानी कोई भी शिबा कॉफी यहां पर खरीदता है तो उसके साथ शिबा कॉफी को यहां पर बंद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों शिबा इनु की खासियत यह है, ये तो एक एग्जांपल है जो कि हाल फिलहाल में ही ओपन हुआ है। शिबा इनु की खासियत यह है कि ये लगातार कुछ नई चीजें मार्केट में लेकर आ रहा है। पहले ये शिबा स्वैप लेकर आया जो कि एक्सचेंज है, उससे पहले ये दोस्तों वैलेट लेकर आया था, उसके बाद शिबा स्वैप के बाद और कुछ चीजें लेकर आया, एनएफटी लेकर आया, सिबोसिस एनएफटी, अब ये शिबा कॉफी कंपनी लेकर आया। इसी तरह से कुछ ना कुछ नया मार्केट में लेकर आता रहता है जिससे इसके प्राइस को एक बूस्ट मिलता रहता है। और दोस्तों शिबा आर्मी जो कंपनी है वो बहुत ही एक्टिव है, इसके जितनी एक्टिव कंपनी शिबा आर्मी की जितनी एक्टिव आर्मी और शिबा इनु के जितना एक्टिव कोई भी कॉइन नई नई चीज़ें लेकर आने में मार्केट में एक्सपर्ट नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं लेकर आ रहा है। यही कारण है कि शिबा इनु कॉइन का प्राइस लगातार बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। इसके अलावा हम सभी को पता है ट्विटर पर भी और गूगल पर भी शिबा इनु कॉइन सबसे ज़्यादा चर्चित कॉइन है, इससे ज़्यादा चर्चित दूसरा कोई कॉइन नहीं है। इवन इसने बिटकॉइन इथेरियम और डॉग कॉइन को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जितने लोग इसके बारे में बात करते हैं उसका शेयर 22% है, यानी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में दुनिया में जितनी भी बात की जा रही है उसमें से 22% अकेले शिबा इनु की बात की जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, जबकि इथेरियम के बारे में 8.1% और बिटकॉइन के बारे में 7.2% बात की जा रही है। यह इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में शिबा इनु कॉइन का मार्केट कैप बिटकॉइन के मार्केट कैप को भी पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। शिबा इनु के अलावा जो टॉप 20 करेंसीज हैं जिनके बारे में इस समय पर लोग बात कर रहे हैं, जो फेमस हैं वो कौन सी हैं, ETH, BTC, डॉग कॉइन, सेप मून भी काफी पॉपुलर यहां पर हो रहा है, थोड़ा बहुत शेयर आप खरीद कर रख सकते हैं, सोलाना, एडा, BNB, MOVR, .XRP, एलन, लूना, FTP, USDT, एलन के बारे में आप ध्यान रखें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉइन ये आने वाले समय के अंदर हो सकता है आपके लिए। केक स्वैप, EGLD, अवेक्स एंड लिंक के बारे में लोग यहां पर बात कर रहे हैं। दोस्तों ये जो 20 करेंसीज मैंने आपको बताई है काफी इंपॉर्टेंट करेंसीज भी हैं, इन पर एक नजर आप रख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सेप मून और सेप मून के साथ एलन यानी डोग एलन कॉइन हो सकते हैं, इन पर आप नजर रखकर चल सकते हैं जो कि आने वाले समय में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये अल्टरनेटिव हो गया, अगर शिबा इनु कॉइन के अल्टरनेटिव इस समय पर आप ढूंढ रहे हैं तो वो सेप मून भी हो सकता है और इसके साथ साथ डोग एलन भी यहां पर हो सकता है। इसके अलावा बाइनेंस पर बात की जाए तो बाइनेंस पर भी BNB कॉइन के बाद नंबर 2 पर लगातार ट्रेंड करने वाला जो कॉइन है वो शिबा इनु कॉइन है। ये सारी की सारी चीज़ें जो शिबा इनु कॉइन को है वो बहुत खास बनाती हैं, लेकिन शिबा इनु कॉइन का मार्केट कैप अभी भी सिर्फ $24 बिलियन है, जो कि बिटकॉइन के कंपैरिजन में अभी 1/50 या 1/40 भाग आप कह सकते हैं। अगर बिटकॉइन का प्राइस 2 गुना या 2.5 गुना हो सकता है आने वाले समय के अंदर, जैसा कि हम सभी कह रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 तक हो जाएगा बड़े आराम से आने वाले समय के अंदर, उसके कंपैरिजन में अभी शिबा इनु कॉइन का प्राइस 1/100 गुना है मार्केट कैप, यानी अभी शिबा इनु कॉइन में बढ़ने की संभावना काफ़ी ज्यादा है। नंबर 11 की करेंसी है जबकि सबसे ज्यादा पॉपुलर करेंसी है और इस समय पर ये मीम टोकन से बाहर निकलकर डेफी करेंसी में भी इंक्लूड हो चुकी है। ये सारी की सारी चीजें शिबा इनु कॉइन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन आने वाले समय का बनाती है और इसका ग्राफ आप देख सकते हैं यहां पर इस लाइन पर अभी चल रहा है इसका ग्राफ। यहां से अगर इस कॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो दोस्तों ये कॉइन आपको 2 गुना से 4 गुना का प्रॉफिट किसी भी समय देकर जा सकता है। लेकिन एक बात का आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि क्रिप्टो करेंसीज और खासतौर से शिबा इनु कॉइन एक बहुत ही रिस्की कॉइन
कॉइन है। इस रिस्क से बचते हुए अगर आपको डेली बेसिस पर क्रिप्टो करेंसीज की मदद से एक बड़ा अमाउंट अर्न करना है, और बड़ा अमाउंट भी दोस्तों अच्छा खासा अर्न करना है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो 20 जुलाई से 25 जुलाई वाले वीक में डेली बेसिस की अर्निंग यहां पर $2,000 से $3,000 की अर्निंग आप देख सकते हैं, जबकि जुलाई के लास्ट वीक में यही अर्निंग $4,000 के आसपास थी। और दोस्तों जब जुलाई से आप बाहर निकले और अगले महीने में गए, अगला महीना कौन सा होता है, अगस्त, तो दोस्तों यहां पर अगस्त के सेकंड वीक में $6,000 डेली बेसिस की अर्निंग और अगस्त के लास्ट वीक में $8,000 डेली बेसिस की अर्निंग। अगस्त के बाद आता है सितंबर, हर मंथ हर दिन यहां पर अर्निंग बढ़ रही है, $14,000 डेली बेसिस की अर्निंग, और दोस्तों सितंबर के सेकंड वीक में $20,000 डेली बेसिस की अर्निंग। इसी तरह से अक्टूबर में $10,000 से $20,000 के बीच की डेली बेसिस की अर्निंग, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर नवंबर की अर्निंग आपको जरूर दिखाऊंगा। नवंबर, 1 नवंबर की अर्निंग $65,000 और पिछले 6 महीने की अर्निंग यहां पर $10,000 यानी लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास ये पॉसिबल हुआ है। कंपाउंडिंग के जरिए बिजनेस बिल्ड करके बहुत सारे लोग इस तरह की अर्निंग कर रहे हैं इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए। मैंने आपको बताया था बिटकॉइन माइनिंग पहले कंप्यूटर मोबाइल की मदद से हो जाता था क्योंकि उस समय पर कंपटीशन नहीं था, आज की डेट में कंपटीशन बेहद बढ़ गया बिटकॉइन माइनिंग में। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कंट्रीज के लेवल पर बिटकॉइन माइनिंग होती है, तो आज की डेट में मोबाइल या कंप्यूटर से बिटकॉइन माइनिंग करना पॉसिबल नहीं रहा। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये लेकर आई है दुनिया की सबसे फेमस और ट्रस्टेड एक्सचेंज से बाइनेंस। बाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग की ये फैसिलिटीज आपको बहुत ही छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करके $100 या $150 के इन्वेस्टमेंट से शुरू करके बहुत ही बड़ी इनकम करने की अपॉर्चुनिटी देती है, चांस देती है। इस चांस को आप अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि इस समय पर, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ही कम लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, इसलिए बहुत ही कम लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की वजह से यहाँ पर अर्निंग की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा कंपटीशन बढ़ता जाएगा और आने वाले 1 से 1.5 साल में यहाँ पर बेहद कंपटीशन बढ़ जाने की वजह से अर्निंग की संभावना उसी तरह से कम हो जाएगी जिस तरह से आज BTC माइनिंग में कोई अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मल लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़ी बड़ी कंट्रीज ही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का मदद से एंड Shiba Inu कॉइन की मदद से आपको भी डेली बेसिस पर एक बड़ा अमाउंट अर्न करना है। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करके वहां पर आपको लेटेस्ट मैसेज मिल जाएगा विद अ लिंक साइन अप विद Binance ऑटो ट्रेडिंग। उस लिंक पर क्लिक करके साइन अप कर लीजिएगा Binance ऑटो ट्रेडिंग के साथ, और इसी मैसेज के ऊपर की तरफ एक वीडियो दी गई होगी जिसमें पूरी डिटेल्स दी गई है कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है, Binance ऑटो ट्रेडिंग को एक्टिवेट कैसे करना है और यह कैसे काम करेगा। वो वीडियो देखने के बाद इसे एक्टिवेट कर लें और यहां से आपकी Binance ऑटो ट्रेडिंग की जर्नी शुरू होगी जिसमें डेली बेसिस पर एक बड़ा अमाउंट अर्न करने का चांस आपको यहां पर मिल सकता है। Binance ऑटो ट्रेडिंग प्लस Shiba Inu कॉइन के कॉम्बिनेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और आने वाले कुछ महीने यानी 1 साल तक आपको यहां पर काफी अच्छी अर्निंग करने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्वाइन करें, वो चैनल का लिंक ज्वाइन करने के बाद वहां पर जो लेटेस्ट लिंक है साइन अप विद Binance ऑटो ट्रेडिंग उस पर क्लिक करके साइन अप करें, वहां पर जो ऊपर की वीडियो है वीडियो देखने के बाद इसे एक्टिवेट करें और Binance ऑटो ट्रेडिंग का लाभ उठाएं जहां पर अभी बेहद कम कॉम्पिटिशन है और अर्निंग की संभावना बहुत ज्यादा है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स पाते रहने के लिए थैंक यू।